बिहार में लॉकडाउन की तैयारी। पटना की सड़कों पर उतरे सीएम नीतीश कुमार। बैठक कर ले सकते हैं बड़ा फैसला। आईएमए भी कर रहा है लॉकडाउन की मांग। बिहार में जारी कोरोना महामारी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पटना के हालात का जायजा लेने सोमवार को सड़कों पर निकले। नीतीश कुमार बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस के बीच राजधानी पटना का पहले जायजा ले चुके हैं। ऐसे में सोमवार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने पटना शहर का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दानापुर से लेकर दीघा तक और गांधी मैदान, कड़कड़बाग, मीठापुर समेत कई इलाकों का जायजा लिया। सीएम के इस निरीक्षण के दौरान उनका लाव लश्कर भी मौजूद था। नीतीश कुमार के इस निरीक्षण के बाद कयासों का दौर तेज हो गया है। सीएम के दौरे के बाद बिहार में लॉकडाउन की आहट होने लगी है। आपको बता दें कि सीएम के इस निरीक्षण के पीछे मुख्य वजह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए को बताया जा रहा है। दरअसल आईएमए ने बिहार में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार से 15 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की है। आईएमए का कहना है कि स्वास्थ्य सेवा के कई विशेषज्ञों से बातचीत की गई है। इसमें यह भी सामने आया है कि बिहार में लॉकडाउन लगाना जरूरी है। बिहार में कोविड 19 के रोगियों की बेतहाशा वृद्धि हो रही है, काफी लोग मर भी रहे हैं और इवन जो उनको सेवियर है उनके वो डॉक्टरों में भी काफी मृत्यु हो चुकी है। ये बहुत ही बुरी स्थिति है और बिहार में संसाधनों की कमी तो है ही, सरकार काफी प्रयास कर रही है कि सभी तक संसाधन पहुंचे, लोगों की मृत्यु न हो। लेकिन इसी क्रम में आईएमए बिहार ने महसूस किया है कि कुछ दिनों का यानी 2 सप्ताह से लेकर के 3 सप्ताह के बीच का एक लॉकडाउन तत्काल इस संक्रमण के कड़ी को तोड़ने के लिए जरूरी है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक भी होगी। बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा कि बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए या वीकेंड लॉकडाउन। आंशिक तौर पर लॉकडाउन की बात ही हो रही है। ऐसी संभावना है कि जल्द ही इस मामले में राज्य सरकार बड़ा फैसला लेगी। बहरहाल बिहार में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी।